अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हताशा भी बढ़ती जा रही है। चीन WHO के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर संक्रामक बीमारियों के अमेरिकी विशेषज्ञ एंथनी फॉसी आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रविवार को फॉसी को बर्खास्त करने की मांग वाले ट्वीट को रीट्वीट किया। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के डायरेक्टर एंथनी फॉसी ने कहा था कि उन्होंने फरवरी में ही अमेरिका में शटडाउन की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी सलाह को अनदेखा कर दिया गया। फॉसी के इस बयान के बाद ट्रंप ने उन पर पलटवार किया। हालांकि इस बीच अमेरिकी मीडिया में विवाद बढ़ता देख ट्रंप ने फॉसी के साथ किसी विवाद से इनकार कर दिया, लेकिन उनका ट्वीट कुछ और इशारा कर रहा था। उसी दौरान ट्रंप पत्रकारों के सवाल से भी खफा नजर आए। First and only time that I went in and said we should do mitigation strongly, the response was yes, we'll do it. तो वहीं ट्रंप अपने राज्यों के गवर्नरों से बेहद खफा नजर आए। ट्रंप ने साफ लहजे में कहा कि राज्यों को लॉकडाउन पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है और वो जल्द ही लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस का केंद्र अब अमेरिका है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहले ही स्पेन और इटली से आगे निकल चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से 23,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,86,000 से भी ज्यादा हो गई है।